हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू मीनाज किचन जोन। कैसे हैं आप सब लोग? फ्रेंड्स, आज मैं आपको बताऊंगी नवरात्रि में खाया जाने वाला डोसा कैसे बनाया जाता है। फ्रेंड्स, आपको मैं बताती हूँ हमें क्या क्या चाहिए सब्जी बनाने के लिए। आलू की 3 आलू लेंगे, धनिया पत्ती लेंगे, कोरिएंडर लीव्स, एक छोटा टुकड़ा जिंजर का लेंगे, अदरक का, 2 हरी मिर्च लेंगे, छोटा टुकड़ा नींबू का लेंगे आधा। फ्रेंड्स, ये बिल्कुल ऑप्शनल है, आपको चाहिए तो ऐड कीजिए वरना रहने दीजिए। और हम लेंगे थोड़ा सा खड़ा जीरा, सेंधा नमक, घी, इसकी जगह आप ऑयल भी यूज़ कर सकते हैं, पीसी हुई काली मिर्च, और इसके अलावा आपको कोई और भी मसाले चाहिए तो आप वो भी ऐड कर सकते हैं। डोसे के लिए हमें चाहिए 1 कप व्रत का चावल, इसे शामक भी बोलते हैं। फ्रेंड्स, मैंने इसे 3 घंटे के लिए भिगो लिया है अच्छे से। और ये 1/4 कप मैंने लिया है साबूदाना, साबूदाना को भी अच्छे से भिगो लिया। देखिए फ्रेंड्स, इसको एकदम से ऐसे करेंगे तो ये पिस जाना चाहिए। 2 हरी मिर्च ली है फाइनली चॉप की हुई, थोड़ा सा धनिया पत्ती लिया है, थोड़ा सा जीरा पाउडर और सेंधा नमक। फ्रेंड्स, हमने फ्लेम ऑन कर लिया है, पैन रख लिया है। अब सबसे पहले हम इसमें घी डालेंगे। जैसे कि हमने पहले बताया, आप इसमें ऑयल भी यूज़ कर सकते हैं। घी को थोड़ा सा गर्म होने देंगे। गरम होने के बाद हम इसमें खड़ा जीरा डालेंगे। खड़ा जीरा डालने के बाद फ्रेंड्स, हम इसमें हरी मिर्ची डालेंगे। हरी मिर्ची को हमने फाइनली चॉप कर लिया है। जिंजर को भी चॉप कर लिया है। फ्रेंड्स, हमने इसे थोड़ा सा अच्छे से फ्राई कर लिया है, मिर्ची भी हमारी सिक गई हैं। अब इसमें उबले हुए आलू थे उसको मैश कर लिया अच्छे से। अब मैश किए हुए आलू हम इसमें डाल देंगे और काली मिर्ची भी डाल देंगे। जैसे कि मैंने पहले बताया, आप कोई और भी मसाले अगर व्रत में खाते हैं तो आप वो भी ऐड कर सकते हैं। इनसे ऐसी रेसिपी है, कुछ समझ नहीं आ रहा है कि क्या खाना है व्रत में, तो झटपट बनाएं और खाएं। फ्रेंड्स, अब हम इसमें धनिया पत्ती डाल देंगे और फ्लेम बंद कर देंगे। लास्ट में हम अपना लेमन डालेंगे। ये बिल्कुल ऑप्शनल है, क्योंकि अगर आपको तीखा और थोड़ा खट्टा पसंद है तो आप ज़रूर डालिए, वरना आप इसे अवॉइड भी कर सकते हैं। और लास्ट में हम अपना नमक डाल देंगे, या आप स्वाद अनुसार भी डाल सकते हैं। अब हम साबूदाना को पीसेंगे। साबूदाना अच्छे से हम इसके अंदर सब डाल देंगे और थोड़ा सा पानी भी डाल देंगे। पानी डाल के हमें इसे एकदम महीन पीसना है। अब हम चेक करेंगे कि हमारा साबूदाना अच्छे से पिस गया है या नहीं। देखिए, एकदम अच्छे से पोरिंग कंसिस्टेंसी है। अब हम इसी जार में व्रत के चावल को भी पीस लेंगे, जिसे हमने अच्छे से धो के भिगो लिया था 3 घंटे के लिए। अब इसमें थोड़ा पानी डाल के, और इसे हमें दरदरा पीसना है। अब हम चेक करेंगे, हमारी शामक भी अच्छे से पिस गई है। शामक को हमने मोटा पीसा, एकदम फाइन नहीं पीसा है, दरदरा पीसा है। अब इसमें बाकी का सामान भी मिलाएंगे, हरी मिर्ची कटी हुई, धनिया पत्ती कटी हुई, जीरा, नमक, और इसे अच्छे से मिलने तक मिला लेंगे।
फ्रेंड्स, हमने हाई फ्लेम पे तवा रख लिया है। अब तवे के ऊपर हम ऑयल लगाएंगे। हमें तवे को अच्छा गर्म करना है और अच्छा गर्म करने के लिए हम ऑयल लगा रहे हैं। ऑयल लगा के हमें एक्सेस ऑयल को गीले कपड़े से या टिश्यू पेपर से साफ करना है। फ्लेम थोड़ा कम कर लीजिए साफ करते टाइम, इससे हमारा तवा अच्छा रवा हो जाता है। अभी से थोड़ा हाई फ्लेम पे, मीडियम हाई फ्लेम पे करके हम बैटर डालेंगे। छोटा बड़ा आप अपने अकॉर्डिंगली इसे बना सकते हैं। हमें इसके साइडों में ऑयल लगाना है और थोड़ा वक्त ऊपर भी डाल दीजिए। व्रत में खाने वाली सभी चीज़ों के लिए तेल ज़्यादा लगता है, क्योंकि ये डाइजेस्ट करने के लिए तेल बहुत ज़रूरी है। फ्रेंड्स, हम अब अपने डोसा को चेक करते हैं। एक साइड से ब्राउन हो गया तो हम इसे लग कर देंगे, पलट देंगे। देखिए, अब हम दूसरी साइड में भी ऑयल लगा देंगे एजेस पे। फ्रेंड्स, ये हमारा अच्छे से रेडी हो चुका है दोनों साइड से। अब हम इसे प्लेट पे निकाल लेंगे। हमारा डोसा रेडी है। मैं आपको एक और बना के दिखाती हूँ। फ्रेंड्स, अब हमें इसे तवा को ठंडा करना बहुत ज़रूरी है, इसलिए हम इसे थोड़ा पानी डालेंगे और गीले कपड़े से इसे क्लीन करेंगे। अब हम इसमें ऑयल अप्लाई करेंगे और हम आपको बताऊंगी बैटर को हम थोड़ा पतला कर लेंगे। आपको अगर और पतला बनाना है तो देखिए कंसिस्टेंसी पहले से पतली हो गई है। हम इसे जालीदार एकदम। फ्रेंड्स, आप सोच रहे हैं ऐसे क्यों डाल रही हूँ, पर इससे और भी क्रिस्पी और क्रंची बनेगा एकदम डोसे की तरह। अब हम इसमें ऑयल अप्लाई करेंगे साइड्स में और थोड़ा बीच में भी। इसके लिए हमें इसको फैलाने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि अब हमारा बैटर पतला है। फ्रेंड्स, अब हम इसे चेक कर लेते हैं। देखिए इसमें कितनी अच्छे से जाली बनी है। अब हम इसे इसे अच्छे से सेकेंगे और थोड़ा सा इसमें ऑयल अप्लाई करेंगे। फ्रेंड्स, हमारा डोसा रेडी हो चुका है। अब हम इसे प्लेट में निकाल लेंगे। देखिए कितना क्रंची बना है। फ्रेंड्स, हमारे फास्ट का डोसा एकदम तैयार है। फास्ट का चीला भी बोल सकते हैं। इसमें एकदम अच्छे से जाली भी बनी है और आप देख ही सकते हैं कितना पतला है। आप इसे चाहे सब्जी के साथ खाएं, चाहे चटनी के साथ खाएं, जैसे चाहें आप इसे सर्व करें। तो फ्रेंड्स, आप ये बनाएं, खाएं और कमेंट बॉक्स में कमेंट शेयर ज़रूर कीजिए। अपना एक्सपीरियंस शेयर कीजिए, आपका डोसा कैसा बना, मुझे फ़ोटोज़ भेजें। मुझे आपका पोस्ट पढ़ने में बहुत ही अच्छा लगेगा। फ्रेंड्स, मेरी ओर से आप सबको नवरात्रि की बहुत बहुत शुभकामनाएं। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो प्लीज़ लाइक करना ना भूलें। मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा और हाँ, याद से बेल आइकन पे क्लिक कीजिएगा ताकि आपको मेरे लेटेस्ट नोटिफिकेशन मिलते रहें। फ्रेंड्स, अब हम मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो के साथ। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, सी यू सून।